सॉरी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि सलमान ने अपने बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया, और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आकर उसने अपना गुनाह कबूल किया बल्कि उस हथियार यानी उस चाकू को भी बरामद करवाया जिससे कत्ल हुआ। पर गौर की बात है कि उस चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। लगता है किसी ने वो फिंगरप्रिंट मिटा दिया, लेकिन कौन हो सकता है। जिस किसी ने भी ये पूरा काम किया है प्लान के साथ किया कि पकड़ा ना जा सके। तिवारी जी, कि केस जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हमें मौका ही वारदात पर जाकर पता लगवाना होगा कि पूरा माजरा क्या है, तभी राज खुल पाएगा। चलिए आइए हमारे साथ।